हेलो ऑन पैसिवियंस, आई एम दीप आयन, अ प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। आज जो संडे का क्वेश्चन आंसर सेशन होता है गुजविंदर धीलन सर का, वो वेबिनार आज भी हुआ। धीलन सर 10 बजे के आसपास आए थे और वेबिनार 1 बजे के आसपास चला, तो उसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फाउंडर ने पूछा था। उनके अंदर जो क्वेश्चन था वो मार्केटिंग कैंपेन के बारे में पूछा, ग्लोबल लॉन्च के बारे में पूछा और बोनस के बारे में पूछा। हर एक क्वेश्चन मैंने कवर करूंगा जो जो इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहे, आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन था मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग कैंपेन कब स्टार्ट होगा। तो धीलन सर ने बताया 30 मार्च जो टॉप इवेंट हुआ था उसमें हमारा मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हो गया। इनिशियल मार्केटिंग कैंपेन था वो हमारे अब दुबई में जो और सारे ग्लोबल में वो अब हम ब्रांड अवेयरनेस को पहुंच रहे हैं। हमारे जो ऑन पैसिव ब्रांड है ये वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, हम हाइपर क्रिएट कर रहे हैं ऑन पैसिव के बारे में। उसके बाद किसी ने पूछा था कि दुबई ऑफिस के बारे में, जो ऑफिस का टूर कब मिलेगा हम लोगों को। तो धीलन सर ने बताया जो ऑफिस है हमारा ग्लोबल बुर्ज खलीफा में, वो ऑफिस का जो सेटअप है, जो इंटीरियर डिजाइन है, वो करने में 2-3 महीने के आसपास लग सकता है, तो उसके बाद हम देख पाएंगे। उसके बाद किसी ने पूछा था दिवाली के बारे में कि इस साल दिवाली कैसे जाएगा, अच्छा जाएगा कि नहीं। तो धीलन सर ने बताया सिर्फ इस साल नहीं और अगले जो भी साल आएगा हर एक साल का दिवाली बहुत अच्छा जाएगा। इसके बाद किसी ने पूछा दुबई में और एक ऑफिस कब आएगा। तो धीलन सर ने बताया 2-3 वीक के अंदर शायद आ सकता है, एस सर ने आके लॉन्च अनाउंस करेगा दुबई ऑफिस के बारे में। और एक जो ऑफिस है हमारा इंटरनेट सिटी में हो रहा है, दुबई का और एक सिटी है इंटरनेट सिटी करके, उसमें हमारा और एक ऑफिस आएगा, ठीक है। तो लॉन्चिंग कब, इसने पूछा था जो लॉन्चिंग कब होगा। तो धीलन सर ने बताया लॉन्चिंग बहुत जल्दी होने वाला है, पहले ये जो प्रोडक्ट है वो आने दो, और वो 1-2 महीने भी हो सकता है, 2-3 महीने भी हो सकता है, तो एस सर आके बताएंगे। फाउंडरशिप क्लोज के बारे में किसी ने पूछा था जो फाउंडरशिप कब क्लोज होंगे। तो धीलन सर ने एक्सपेक्ट किया कि 1 महीने के अंदर हो सकता है, इस महीने के अंदर, लेकिन अगले जो वीक है आ रहा है, अपकमिंग वीक्स के अंदर एस सर आएंगे अपडेट्स लेकर बहुत सारा, तो उसमें शायद फाउंडरशिप क्लोज होने का अपडेट्स आएंगे। वो 10 या 15 दिन या 1 हफ्ते का टाइम देंगे कि फाउंडरशिप क्लोज हो जाएंगे, आप जल्द से जल्द एक्टिव कर लीजिए आपका जो पेंडिंग आईडिया है। तो यही बात है। पैकेज कॉस्ट के बारे में किसी ने पूछा था पैकेज कॉस्ट कितना होगा। तो पैकेज कॉस्ट के बारे में धीलन सर ने बताया कि वो तो $200-300 के आसपास हो सकता है, लेकिन एस सर वो ट्राई कर रहे हैं कि जितना कम हो सकता है ले सकते हैं कस्टमर या फाउंडर से, क्योंकि जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो अभी हर एक प्रोडक्ट रेडी होने के बाद वो उसका डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट कितना आ रहा है, उसके बाद हम जो सेलिंग प्रोडक्ट जो चार्ज है वो 200 या 300 वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, तो बोनस कब आएगा। तो धीलन सर ने बताया बोनस तो आएगा, मार्केटिंग कैंपेन जब स्टार्ट हुआ तो बोनस तो आना ही पड़ेगा। नीरज सर का इसका बहुत अच्छा आंसर दिया, वो बोला कि जो एस सर एक मीटिंग में बताया था कि जो हम लोगों को फाउंडर को इस साल का 2nd क्वार्टर में बैंक जाना पड़ेगा, ठीक है, शायद बैंक जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, 2nd क्वार्टर का मतलब है अप्रैल मई जून, तो अप्रैल तो चल रहा है और मई जून का वेट है, तो शायद इसी 2 महीने में हमको बहुत खुशी का न्यूज मिल सकता है। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है, एस सर आके सब कुछ बताएंगे। तो यहीं पर अपडेट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अपडेट्स अच्छा लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना अब इस चैनल पे नए हो तो। तो थैंक यू सो मच।